फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अंडा का कॉटलेट। यह रेसिपी मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने 3 बड़े आलू उबालकर मैश कर लिए हैं। 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है। 2 उबला हुआ अंडा मैंने रखा है। 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा नमक और आधा कप सरसों का तेल मैंने लिया है। अब मैं इस अंडे को बीच से काट लूँगी। मैंने एक प्लेट ले लिया है। अब इसमें हम मैश किया हुआ आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च, प्याज, नमक, थोड़ा सा हल्दी, ये सबको लेकर मैं इसको मैश कर दूंगी। अब मैं इस अंडे को इस आलू में फिलअप कर दूंगी। फिर दूसरे अंडे को भी मैं इस आलू में फिलअप कर दूंगी। अब दोनों अंडे को मैंने आलू में फिलअप कर दिया है। अब मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, इसमें मैं सरसों का तेल डालूंगी। सरसों का तेल गरम हो जाए तब मैं इसमें अंडे का जो भरा हुआ फिलअप किया हुआ है उसको मैं डालूंगी। अब तेल गरम हो गया है, इसका फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी। अब इसे मैं इसे डाल दूंगी और कम फ्लेम पे इसे मैं लाल होने तक पका लूंगी। ये लाल हो गया है, ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसे थोड़ा देर और फ्राई करेंगे। अब ये सुनहरा लाल हो गया है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब ये मेरा अंडा का कॉटलेट तैयार हो गया है। इसे आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, एक बार आप ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए।